Everyone, welcome back to my channel. It's me Hansika Chauhan and I'm back with a new video. This video is going to be about me setting up my study table in the sense that I have to keep my intermediate group 2 books ko stack karke rakhna hai ab cartons mein. So and more about my life update that what I am doing right now after the result is declared and I am a CA finalist. So it's going to be about all of that stuff. So my first life update is that I was busy doing my ITT training from Dehradun branch of ICI and it was from 26th of December to 11th January. So iska matlab maine result bhi wahi pe dekha tha. Main ghar wale ke sath nahi tha us time. And ab main ghar pe hu, meri training bhi khatam ho gayi hai. And after 11th hamara 12th, 13th and 15th ko exams hue the ITT training ke. To wo bhi acche gaye hain and सो नाउ मुझे ये बुक्स को अभी एक कार्टन है मेरे पास उसमें इन्हें स्टैक करके रखना है एंड ये तो अभी आधी बुक्स हैं आधी अभी अंदर शेल्फ में हैं सो अभी काम शुरू करते हैं बहुत काम है आज वन मोर थिंग जब मैं वापस आई तो सबसे पहले मैंने अपना एक वॉल पे सी ए करके छोटा सा वो कॉर्नर बना रखा है जिसमें मैंने सी ए वर्ड लिखा हुआ है एंड देन नीचे कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखे हैं सो उसमें मैंने अपना डेट लिखा दैट आई एम अ सी ए फाइनलिस्ट और कौन सी डेट पे बनी 10th of January 2023 नाउ आई विल शो इट टू यू सो यहाँ लिखा मैंने प्लीज इग्नोर माई गंदी राइटिंग एंड दिस इज माई दैट कॉर्नर जो मैंने बनाया था सेकेंड लाइफ अपडेट ये है कि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स हैं इंटरनल्स ऑफ सेमेस्टर 5th ऑफ बीकॉम एंड आई एम डूइंग माय कॉलेज फ्रॉम डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून सो अभी 19th ऑफ जनवरी से एग्जाम्स हैं इंटरनल्स फिर एक्सटर्नल्स फरवरी में होंगे सो मुझे मतलब पूरा टाइम नहीं मिला मतलब रिजल्ट के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत टाइम लगता है दैट या कि अब हो गया है मतलब एक लेवल हो गया है नाउ यू आर सी ए फाइनलिस्ट बट फीलिंग बहुत अच्छी होती है तो इसलिए अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए डोंट लूज योर होप एवर क्योंकि उसके बाद का जो आउटकम होता है इट्स ऑलवेज वर्थ इट भाई राम ने मुझे आफ्टर माय रिजल्ट वाज डिक्लेयर मैं क्लियर हो गई वो बहुत ही खुश था उसने मुझे ट्रीट दी ही टुक मी टू डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा वगैरह सब ऑर्डर किया एंड वी एंजॉय उस टाइम मैं ट्रेनिंग में ही थी देहरादून में मुझे लग भी रहा था कि मतलब मैंने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया ये वो बहुत कंसर्न रहता है हमेशा मेरे लिए तो उसने मेरे को बोला कि कहाँ है ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग He's taking coaching from Dehradun. And so when I was there, time and I was also busy in my training. So during lunch, he took me to Domino's and then he gave me a treat. And I was very happy after that. He also gave me chocolates. And my friends got pretty confused that aise itne acche bhai kahan se mil gaye tumhe? And I was like, yeah, hai to hai. वैसे अब जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बची है दैट्स दैट आई हैव टू प्रिपेयर माई रिज्यूमे एंड आई हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट फर्म्स फॉर आर्टिकलशिप सो आई विल बी अप्लाइंग इन ऑल द लेवल फर्म्स मतलब ऐसा नहीं है दैट आई विल बी ओनली अप्रोचिंग टू बिग फोर नो मीडिया का फर्म्स भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वी नो द लेवल ऑफ बिग फोर सो इट्स नॉट दैट इफ आई एम अप्लाइंग ओनली इन बिग फोर सो आई विल गेट सेलेक्टेड सो आई एम looking forward to every type of firm it is good you know agar big four mein selection ho jata hai it's very good usse to acha kuch ho hi nahi sakta but apply to sab mein karna padega so ab mera carton full ho chuka hai isme kuch thoda bahut cheeze bachi hain i guess yahan pe wo mere ko karni hai fir ye wala kaam ho jayega complete and isi ke sath i guess main video bhi end kar dungi after some chit chat with you So yeah, stay tuned. So nowadays I am reading this book titled The Tale of Two Souls and it's a very good book and I will be honest about it I am not a book reader.
मैंने अपनी छोटी बहन को बुक्स पढ़ते हुए देखा था, सो आई वॉज लाइक वाओ, शी इनकलकेटेड सच अ गुड हैबिट एट सच अ यंग एज, तो मुझे भी करनी चाहिए. सो दिस इज द डायरी जिसमें मैंने अपना 2022 का क्रिएटिविटी जॉट डाउन करी थी, एंड अब 2023 आ गया है, सो मैं इसके लिए नई डायरी लूँगी. आई लव दिस, मैं जब भी से देखती हूँ मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. आई लव दिस वन, एंड मतलब आई लाइक डूइंग स्टफ़ लाइक दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है ये सब. ये मैंने सब खुद किया है, एंड इसमें कुछ छोटी छोटी चिट्स हैं विच आई विल बी नॉट शोइंग. ये मैंने डायरेक्ट पेन से बनाया है. सो इट्स फाइनली डन, एंड मैंने सब कुछ सिस्टमेटिकली रख दिया है. सो यार गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मैंने अपना काम भी कर लिया, मैंने आपको अपना लाइफ अपडेट भी दे दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कि जब मेरा रिज्यूमे प्रिपेयर हो जाएगा, जब मैं अप्लाई कर लूँगी, मैं आपको तब प्रोसीजर गाइड कर दूंगी, एंड अगर सिलेक्शन हो गया तो वो भी बता दूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर May 23 एग्जाम. एन्जाइटी सबको होती है, डोंट टेक टेंशन ऑफ इट, बस अपना लगे रहो, अपना कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मैंने करके देखा है और मैं आगे करूँगी भी. आई प्रॉमिस दैट टू माई सेल्फ दैट आई विल नॉट लूज दिस हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, बट येस यू शुड डू इट एंड यू हैव टू डू इट इफ यू वॉन्ट टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट. सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट एवर लूज होप. तुम अकेले फेल नहीं होते हो. 12% या 24% इस बार रिजल्ट आया आई थिंक ग्रुप टू का, सो द रिमेनिंग परसेंटेज हैज फेल, तो अकेले नहीं फेल हो रहे हैं आप. इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड मत होइए. आई नो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू से, अगर मैं फेल होती तो आई डोंट नो मैं क्या करती, बट आप अपना कंसिस्टेंसी लेवल बना के रखिए एंड श्योरली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो.